how to make a bumper in Astro Skin. So guys, जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम 10 बफर्स बनाने वाले हैं जो कि 1:50 रेशियो में बनाए गए एचओ स्केल में। तो वह लोग आपको भी जानना है कि कैसे बनाना है तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस आप सभी का एक छोटे से इंट्रो के बाद स्वागत है। तो भाई लोग अभी मैं अपनी वॉइस चेंज कर लिया हूँ। चलो भाई लोग अभी मैंने यहाँ पे पेपर स्ट्रिप लिया जो कि 1 cm × 7 cm की पेपर स्ट्रिप है। तो आपको क्या करना है, जो यूजन थ्रो पेन आता है उसके ऊपर आपको इसे लपेटना है और थोड़ा सा लूजली लपेटना है। जो कि आपको भाई लोग ये लपेटना है तो आप अपने स्प्रिंग के हिसाब से मतलब कि लपेटना है इसके ऊपर। मेरा थोड़ा स्प्रिंग का साइज थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने अपने हिसाब से लपेटा है। आपके पास जो भी स्प्रिंग हो आप उसके हिसाब से इस पर लपेट लेना। उस हिसाब से मैंने लपेट लिया और थोड़ा सा इसे मैं थोड़ा सा टाइट कर देता क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लूज हो गया था। ये अच्छे से अब हम क्या करेंगे, इसे चिपका दिया मैंने। अब देख लेते पहले ये स्प्रिंग हमारा इसके अंदर आ रहा है कि नहीं। ये वाला स्प्रिंग एकदम अच्छे से आ रहा है इस पर। अब क्या करेंगे, इसे अच्छे से चिपका देते हैं एलसी की सहायता से। थोड़ा सा भाई लोग हाथ पे भी लग गया था मेरे, आपको आराम से करना है इसे। भाई लोग जब तक के लिए सूख रहा है जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जाके सेट कर दो जिससे मैं कोई भी ऐसी रिलेटेड वीडियो डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो भाई लोग आपको मैं को एक बात बतानी थी, भाई लोग मेरे चैनल पर भाई लोग 82% ऐसे लोग हैं जो विदाउट सब्सक्राइब करे देख रहे हैं। भाई लोग कर दो ना यार, क्या दिक्कत है, प्लीज़ यार कर दो। ऐसी आपको रिलेटेड वीडियो देखने तो आगे जाके बहुत काम आएगा। ये हमने भाई लोग सुखा लिया, उसके बाद भाई लोग मैंने यहाँ 1.5 cm × 7 cm का पेपर स्ट्रिप लिया। अब हमें क्या करना है, उसके ऊपर लपेटना है लोग और थोड़ा सा लूजली लपेटना है क्योंकि ये बफर्स की तरह काम करना चाहिए। कुछ इस हिसाब से आपको लपेट लेना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से ग्लू लगा देना, फिर से उसके ऊपर एलसी डाल देना। आपको थोड़ा सा साइड साइड से भी डालना है जिससे कि एकदम मजबूत हो जाए पत्थर की तरह, क्योंकि अच्छा सा लगना चाहिए भाई लोग ये। कुछ इस हिसाब से अच्छे से मैंने चिपका लिया, आपको भी इस हिसाब से चिपका लेना है। अभी हम अंदर वाले को निकाल लेंगे बाहर। कुछ अच्छे से आपको निकाल लेना है इसे, ये थोड़ा सा निकल नहीं रहा था तो अच्छे से मैं निकाल लेता हूँ पहले। मतलब ये वीडियो बहुत छोटी है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो और वीडियो कैसा लगा जिसके कमेंट में बताना मत भूलना। कुछ इस हिसाब से मैं आप क्या करूँगा, इसके साइड साइड में एलसी डाल देता हूँ क्योंकि अच्छे से एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ये हमने एकदम पतला सा बनाया है, हमने पिछली बार बनाया था वो थोड़ा सा मतलब मोटा था तो एलसी डालने में कोई दिक्कत नहीं थी, बट चलो इस बार भी हमने डाल दिया, अच्छे से मजबूत कर देते हैं इसे। अब जो भाई लोग देख पा रहे हो ये कुछ इस हिसाब से लगेगा, ये थोड़ा सा टाइट भी है भाई लोग। कुछ इस हिसाब से हमने लगा दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, पहले इसे एकदम गोल में ले आएंगे क्योंकि एलसी डलती है तो भाई लोग अच्छे से टेढ़ा हो जाता कभी कभी का। तो हम क्या करेंगे, अभी एकदम गोल कर देते हैं इसे अच्छे से। आप जब तक मैं इसे करता हूँ जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। अब क्या करेंगे, जो भाई लोग इसे आपको मत नहीं करना है, ये मैंने गलती से यहाँ पे कर दिया था, आपको नहीं करना है। ये भाई लोग फिर से मैंने निकाल दिया। अभी हम क्या करेंगे, पहले इसका स्प्रिंग लगाएंगे पहले भाई लोग। कुछ इस हिसाब से यहाँ पे एलसी के साथ ऐसे हम स्प्रिंग के मतलब कि ये भाई लोग पीवीसी शीट है, आपको बताना भूल गया था, ये पीवीसी शीट के ऊपर मैंने स्प्रिंग लगा दिया। कुछ इस हिसाब से आपको भी इसी हिसाब से ही लगाना है, ठीक है लोग। उसका जो 1.5 cm वाला पेपर स्ट्रिप का जो हमने रोल बनाया था उसको आपको इसके मिडल पॉइंट मतलब कि आपको अपने हिसाब से देख लेना है कहाँ पर एक ही जगह इक्वल मतलब कि जगह छूटनी होनी चाहिए। इसे अच्छे से मैं चिपका देता हूँ। ये एकदम अच्छे से चिपक गया है। अब क्या कहेंगे, इसे काट देते हैं। उसके बाद ये जो भाई लोग हमने छोटा वाला बनाया था अब हम इसे देख लेते हैं कैसा लगेगा, तो उसके हिसाब से आपको लगाना है इसे।
कुछ इस हिसाब से मैं यहाँ पर फिर से पीवीसी शीट के ऊपर से रख दूँगा। कुछ हिसाब से फिर मैंने अच्छे से एलपी डाल दिया है। अब इधर थोड़ा सा सूखने के लिए हम छोड़ देते हैं, इसे थोड़ा सा आपको सूखने के लिए छोड़ देना है। अब उसके बाद क्या करना है भाई लोग, जो इसे काटना है आपको अपने अंदाजे से कि ये एकदम सर्कल टाइप का कट जाए। मैं सोचा एकदम सर्कल टाइप का नहीं कटता, पर जितना कटा था मैंने काट दिया, क्योंकि भाई लोग यहाँ पर मार्किंग लगाने का कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि भाई लोग एकदम छोटा सा है, तो छोटे में भाई लोग सर्कल बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। आपके पास बाकी कुछ है उपाय तो आप अपना लगा सकते हो, बट यहाँ पर हम कोई सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने क्या किया अपने ही अंदाजे से काट लिया है इसे। कुछ इस हिसाब से मैंने अच्छे से काट लूँगा, जो कोना कोना आएगा उसे भी अच्छे से मैंने काट दिया, जैसे कि एकदम मतलब कि गोल दिखे एकदम बढ़िया से। तो आपको भी ऐसे ही कर लेना है, तो कुछ हिसाब से दिखेगा आपको जैसे कि स्क्रीन पे, कुछ इस हिसाब से ये इसके अंदर लग जाएगा भाई लोग। इसे एकदम अच्छे से बाद में लगाएंगे, बट इससे पहले भाई लोग जो हमने जो साइड साइड का जो इसका है पीवीसी शीट उसको भी काट लेंगे। जो ये है ये एकदम इसके भाई लोग साथ साथ में ही काटने हैं आपको, ये एकदम बढ़िया बफर की तरह लगेगा। आने वाली वीडियो में हम ये भाई लोग WDP-4D लोकोमोटिव के ऊपर लगाएंगे, जैसे कि आपको दिख ही जाएगा पिछले वीडियो या पिछले से पिछले वीडियो में मैंने डाला था, उसकी बोगी बनाना मैंने आपको सिखाई थी। अब इसका एक लोकोमोटिव भी बनाएंगे हम, ये हमने लगा दिया अच्छे से। अब ये देख सकते हो ये भाई लोग एकदम फ्रीली मूव कर रहा है ये। अभी हम क्या करते हैं भाई लोग, इसे एकदम चिपका देते हैं, जैसे देख पाए एकदम बढ़िया वर्क कर रहा है, पर इसे चिपकाना भी होता है, तो पहले हम इसे चिपका लेंगे। ये भाई लोग मैंने दोनों अलग अलग ले लिया पहले, जैसे देख पाए एकदम बढ़िया वर्क कर रहा है। अब उसके अंदर क्या करेंगे, जो छोटा आ रहा है उसके अंदर हम क्या करेंगे ग्लू गन लगा देंगे। ये भाई लोग सबसे बढ़िया उपाय है, क्योंकि यहाँ पर एलसी अच्छे से काम नहीं करेगी, तो यहाँ पर आपको ग्लू गन ही लगाना अच्छा रहेगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये स्प्रिंग लगा देंगे अच्छे से और इतने पे ही रोक देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे सूखने तक का थोड़ा सा टाइम रखेंगे, जिससे कि एकदम ही अच्छे से सूख जाए। फिर उसके बाद इसे हम बढ़िया से बफर का व्यू दिखा देंगे। और ये भाई लोग हमारा बफर कंप्लीट हो चुका है, तो भाई लोग कैसा लगा ये बफर कमेंट में ज़रूर बताना। तो आपको भी इसे बनाना है तो आप घर पर ईजिली बना सकते हो। ये मैक्सिमम आपको भाई लोग 5 से 10 रुपीज़ में एक बफर तैयार हो जाएगा। तो भाई लोग आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद। भाई लोग वीडियो छोड़ के जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी।